अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर आ रही है, इंडियन नेवी शिप अराइविंग कतर। साथियों बताना चाहूँगा आपको, इंडियन नेवी जो वेस्टर्न फ्लिप शिप से इन आईएनएस टरकास दोस्तों जो आ रही थी वो थर्सडे के दिन यानी कल के दिन वहाँ पे कतर के दोस्तों एरिया में वहाँ पे आई है शिप दोस्तों, यानी जो बड़ी शिप होती है इंडियन नेवी का वो वहाँ पे आई है। तो साथियों यहाँ कुछ सामान वगैरह, हैप्पी मोनो फ्रॉम द पार्ट ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। अगली खबर साथियों जो है दोस्तों, एक अच्छी खबर भी दोस्तों इंडिया से, एक बुरी खबर भी। पहले मैं अच्छी खबर सुना देता हूँ। तो साथियों खबर जो आ रही है, कतर एक्सएम पैसेंजर वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड इन इंडिया फ्रॉम क्वारंटाइन। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, इंडिया की एक वैक्सीन निकाली गई थी जिसका नाम था कोविडशील्ड। तो दोस्तों फाइनली इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट करके फ्राइडे को ट्वीट करके बताया कि कोविडशील्ड वैक्सीन जो भी इंडिया से लेकर आएगा उसे आने की अनुमति होगी, पर दो डोज लेके आना चाहिए और कंप्लीट 14 दिन वहाँ पे रहना चाहिए, उसके बाद ही लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। तो साथ ही यदि आप कतर जाना चाहते हैं तो कोविडशील्ड वैक्सीन भी लेकर जा सकते हैं, पर शर्त होगा कि दोनों डोज आपको लेना है, प्लस दोनों डोज लेने के बाद 14 दिन आपको वहीं पे रहना है, उसके बाद आप आ सकते हैं। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ट्वीट किया गया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से कतर में। तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ दोस्तों जो मैंने आपको बताया। अगली खबर साथियों आ रही, बुरी, बहुत ही बुरी खबर साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बुरी खबर बताऊंगा, एक अच्छी खबर बताऊंगा। साथियों जैसा कि मैंने सुबह ही बताया था कि दुबई ने भी इंडिया के सारे फ्लाइट को रद्द कर दिया है। अब फाइनली आज शाम में दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया, इंडोनेशिया ने सारे फ्लाइटों को जो इंडिया से आती है सभी फ्लाइटों को बंद कर दिया गया है 14 दिनों के लिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे, इंडोनेशिया में सारे फ्लाइटों को बंद कर दिया है। कल के दिन यूएस ने, न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान और भी दोस्तों कुछ देश थी जैसे कि हांगकांग वगैरह, ये सब देशों ने बंद किया था। शाम में कल अनाउंसमेंट हुआ, दुबई ने भी बंद कर दिया दोस्तों। आज फाइनली आज इंडोनेशिया ही बंद कर रहा, क्योंकि दोस्तों इंडिया की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसी को देखते हुए ये सभी देशों ने ये निर्णय ले रखा है। अगली खबर साथ ही हमारे, 381 फेस प्रिकॉशन फॉर वायलेसिंग कोविड 19। दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, आज के दिन 381 लोगों ने वहाँ पे कोविड 19 के बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद सभी को पकड़ा गया। 322 लोग ऐसे थे जो कि मास्क नहीं पहने थे और 56 लोग ऐसे थे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। 2 लोग ऐसे थे जो कि अपने मोबाइल पे एतराज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए। टोटल 283 लोग थे। तो फाइनली लॉ नंबर 13/1990 के तहत जो भी इन्फेक्शन डिजीज फैलाने में मदद करता है उनको पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ्तारी की जाएगी या फिर उनको फाइन देना पड़ेगा। अगली खबर साथियों, और न्यू स्ट्रेन फैमिली विजिट कॉज मोर कोविड 19 केसेस इन चिल्ड्रन। दोस्तों एक नया स्ट्रेन वहां पे चला है कोविड 19 का, जो कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये अटैक कर रहा है, यानी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसके बाद में डॉक्टर हमद अल रुहमानी साहब ने ये कहा है कि बच्चों को बहुत ही जल्दी वहाँ पे कोविड 19 का वैक्सीन दिया जाएगा, ताकि लोग बच्चे भी वहाँ पे जल्द से जल्द इससे निजात पा लें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी उम्र धीरे धीरे 30 साल कर दिया गया, 30 साल लोगों को वहाँ पे वैक्सीन फिलहाल अभी दी जा रही है। अब साथियों बात करते हैं कोविड 19 की ताज़ा अपडेट के बारे में, तो जान लेते हैं, काफ़ी दिनों से मैं इसकी अपडेट नहीं बताया था, दोस्तों आज मैं बता देता हूँ। अभी तक वहाँ पे 13,72,396 लोगों का कोविड 19 का वैक्सीन पड़ चुका है। 24 घंटे में 26,973 लोगों को वैक्सीन दिया गया। 24 घंटे में साथियों वहाँ पे 798 केस आया है पॉजिटिव केस। टोटल दोस्तों बताना चाहूँगा, टोटल वहाँ पे करंट एक्टिव जो केस है वो 21,904 है। 24 घंटे में 12,097 लोग वहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। टोटल वहाँ 1,78,461 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में साथियों 6 लोगों की मौत हो चुकी है और टोटल 413 लोग कोविड से अब तक मर चुके हैं। वहाँ 24 घंटे में 11,974 लोगों का जांच किया गया। टोटल 18,70,202 लोगों का जांच किया जा चुका है। 24 घंटे में 18 लोग आईसीयू में गए हैं। टोटल 441 लोग हैं। एक्यूट हॉस्पिटल में 24 घंटे में 83 लोग हैं। टोटल 1,160 लोग हैं। तो ये पूरी ताज़ा अपडेट थी कोविड 19 की, और कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।